राजस्थान में मंत्रिमंडल पुनर्गठन को लेकर रविवार शाम 4 बजे तक राजभवन में नए मंत्रियों के चेहरे सामने आएंगे। गहलोत व पायलट खेमे से कई विधायकों को विभिन्न मंत्रालय की जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी। वहीं बात करें कैबिनेट व राज्य मंत्री की लिस्ट जारी हो चुकी है, जिनमें हेमाराम चौधरी, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, रामलाल जाट, महेश जोशी, विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा, ममता भूपेश बेरवा, भजन लाल जाटव, टीकाराम जुली, गोविंद राम मेघवाल, शंकुतला रावत, इन 11 लोगों को कैबिनेट मंत्री के रूप में लिया गया है। वहीं बात करें हम राज्य मंत्री की, जिसमें जाहिदा, ब्रजेंद्र सिंह ओला, राजेंद्र सिंह गुड्डा, मुरलाल मीणा सहित 4 लोगों को राज्य मंत्री के रूप में सम्मिलित किया गया है। कैबिनेट और राज्य मंत्री के रूप में कुल 15 लोगों के नामों की घोषणा हुई है। अब इन्हें अलग अलग मंत्रालय का कार्यभार रविवार शाम 4 बजे तक सौंपा जाएगा। बात करें गहलोत कैंप से, ये सबसे बड़ी बात है कि राजेंद्र सिंह गुड्डा हैं जो बसपा से कांग्रेस से मर्ज हुए, 6 बसपा MLA इनके साथ है और इनकी मजबूती बात है। और इसके बाद गोविंद मेघवाल की बात करें, मेघवाल कोटे से एक मंत्री बनना है, लेकिन गोविंद मेघवाल हैं जो 2 बार विधायक रह चुके हैं। राजेंद्र पानी के पूर्व मंत्री हैं, डोटासा के जाने के बाद अब सीकर से कोई मंत्री नहीं है, राजेंद्र पानी को मौका मिल सकता है। वहीं रामनारायण मीणा की बात करें जो हाड़ोती से पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है और 5 बार ही विधायक रह चुके हैं। महेश जोशी हैं, ये मुख्य सचेतक हैं और गहलोत के भरोसेमंद विधायकों में शामिल हैं। ये गहलोत कैंप से हम बात करें तो शंकुतला रावत भी इनके नाम में अग्रणी हैं, जो महिला और गुजर हैं और 2 बार विधायक रह चुकी हैं। और जहां बात करें हम पायलट कैंप से बात करेंगे, पायलट जो खेमा है उसे बात करेंगे, हेमाराम चौधरी है, ब्रजेंद्र ओला है, रमेश मीणा है, दीपेंद्र सिंह है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हेमाराम चौधरी जो पहले मंत्री रह चुके हैं और पायलट समर्थक हैं। इसके बाद ब्रजेंद्र ओला सिकाउट जी क्षेत्र से बताए जा रहे हैं और रमेश मीणा है बगावत में शामिल रहे लेकिन पहले मंत्री भी रहे। वहीं दीपेंद्र सिंह है जो पहले विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं।